नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर एक नहीं तीन है और मैं तीनों खबरों को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ। मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो क्या बनाऊँ, एक में ही तीनों खबरों को मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर आ रही है वो तेजस को लेकर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत उसे तेजस लड़ाकू विमान भेजे और इतना ही नहीं, इसके लिए वह ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया ने भारत को RFI जारी कर दिया है। RFI क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आसान भाषा में इसे ऐसा समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक पेपर दिया है, उस पेपर पर भारत को जो तेजस है उसकी कैपेबिलिटी लिख कर देनी है, क्या क्या कर सकता है तेजस, कितने वेपन कैरी कर सकता है, कितना ही नहीं उसकी रेंज कितनी है, मारक क्षमता क्या है, ये सारी चीज़ें लिख कर देनी है और इसे ही RFI कहा जाता है। तो भारत जल्द ही बताया जा रहा है कि इस RFI को फुलफिल करके भेज देगा ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जज करेगा, फिर ये भारत के साथ इसे खरीदने का जो प्रोसीजर है उसे आगे बढ़ा देगा, जिसमें कि यह डिस्कस किया जाएगा कि इसके प्राइसिंग क्या होगी, इसकी डिलीवरी कब तक होगी, फिर इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों यह भारत के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसे खरीद लेता है भारत से, क्योंकि इसे हमें पैसे तो मिलेंगे ही, कमाई भी होगी हमारी, साथ ही हमारा प्रमोशन भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसा एक इतना विकसित देश भी भारत के तेजस को चुन रहा है। और इसके साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो मिलिट्री इंगेजमेंट है, खास करके चीन को ध्यान में रखते हुए, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, दोनों देशों के बीच में भरोसा बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि वियतनाम भी भारत से तेजस खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है, जल्द ही इस पर कुछ बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आएगी। तो और दोस्तों बात कर लेते हैं एक और रक्षा सौदा की, और यह सौदा होगा फिलीपींस के साथ। दरअसल फिलीपींस चाहता है भारत से करीबन 7 LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदना, वो भी अपने पोस्ट गार्ड के लिए। इतना ही नहीं, वो अपने नौसेना के लिए 8 डोर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि लगातार चीन की जो नौसेना है, चीन का जो पोस्ट गार्ड है, वह दक्षिणी चीन सागर के जरिए फिलीपींस को डराते धमकाते रहते हैं, लगातार वहां पर अपनी नौसेना की घुसपैठ करवाते रहते हैं, और इसलिए ऑलरेडी फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस ले चुका है और अब वो भारत से डोर्नियर और LCH भी लेना चाहता है, ताकि चीन के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो सके, और इन सब से भारत को बैठे बिठाए मुनाफा मिल रहा है। दरअसल चीन पिछले एक साल से जैसे जैसे अपने पड़ोसियों को तंग करता है, इनके देश में घुसपैठ करता है, यह भारत के क्लोज आ जाते हैं, भारत से हथियार मांगते हैं, इससे कि भारत को ऑटोमेटिक ही चीन के बेहद ही करीब बहुत ही करीबी सहयोगी मिल चुके हैं और इनसे भारत को मोटा मुनाफा भी हो रहा है। तब से अच्छी बात यह है कि भारत इस तरीके के मौके को हाथों हाथ ले रहा है, भारत यहाँ पर कोई लेट लतीफी भी नहीं कर रहा है। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।